कोको कोला एजेंसी में बैठ करके शराब पी रहे। मैनेजर सही जो है 7 लोग पकड़े गए। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, मैं हूं जय शुक्ला। देखिए बड़ी खबर निकल कर आ रही है राजधानी पटना से, जहां पर एक बीजेपी नेता के एजेंसी में पुलिस ने छापेमारी की है। यहां पर शराब की बोतलें पकड़ी गई हैं और पुलिस के मुताबिक खबर जो थी वो तस्करी करने की भी थी और यहां पर शराब की पार्टी भी चल रही थी। बड़े अधिकारियों से सूचना मिलती है तो पुलिस वहां छापेमारी करने पहुंच जाती है और जब छापेमारी होती है कोका कोला एजेंसी में, तो वहां पर शराब की 17 बोतलों के साथ 7 लोगों की गिरफ्तारी भी होती है। बड़ी खबर है। और इससे बड़ी बात यह है कि यहां पर यह जो कोका कोला एजेंसी है वो ये बताया जाता है कि यह बीजेपी नेता की एजेंसी है और यहीं पर शराब की पार्टी भी चल रही थी। और उसके बाद खबर यह भी है कि शराब की पार्टी के बाद जब पुलिस पहुंचने की भनक मिलती है तो वहां से एजेंसी के संचालक जो है, यानी कि नेता जो है, और उनके साथ साथ कई अन्य लोग भी होते हैं जो कि फरार होने में भी कामयाब हो जाते हैं। तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे किस प्रकार से पुलिस पहुंची है और कितनी शराब की बोतलें मिली है वहां पर। बीजेपी नेता नीलेश यादव की दीघा स्थित कोका एजेंसी से 17 बोतल विदेशी शराब बरामद हुई है। पुलिस ने छापेमारी के दौरान यह शराब जब्त की है। इस दौरान पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। बता दें कि बिहार में शराबबंदी को लेकर सीएम नीतीश के सख्त निर्देश के बाद भी पुलिस की हरकत जो है वो लगातार छापेमारी की ओर अग्रसर है और ऐसे में भी पटना में ये जो खबर निकल कर आ रही है वो बड़ी खबर हो जाती है। बताया जा रहा है कि दीघा थानाध्यक्ष को सूचना मिली थी कि दीघा स्थित कोका कोला एजेंसी से विदेशी कीमती शराब की तस्करी की जा रही है। वरीय पुलिस अधिकारियों को सूचना देते हुए थानाध्यक्ष ने भारी पुलिस बल के साथ इस एजेंसी में रेड किया। पुलिस को देखते ही आरोपी इधर उधर भागने लगे। इस पर पुलिस ने पीछा कर 7 लोगों को दबोच लिया, तो वहीं इस दौरान कई लोग भागने में कामयाब भी रहे और पुलिस जो है वो सीसीटीवी कैमरे को कब्जे में लेकर और आरोपियों की भी तलाश कर रही है। और जो कैमरा खंगाला जा रहा है उसके मुताबिक इनकी पड़ताल की जा रही है कि ये आखिर भागे तो किस रास्ते भागे और कहां पर जा सकते हैं। बहरहाल ये बड़ी खबर राजधानी पटना से निकल कर आ रही है। राजधानी पटना के दीघा स्थित कोका कोला एजेंसी में, बीजेपी नेता के कोका कोला एजेंसी में पुलिस की रेड पड़ी है और वहां से बड़ी खबर यह है कि 17 बोतल शराब न सिर्फ बरामद हुआ है बल्कि शराब पीते हुए लोग भी यहां पर पकड़े गए हैं। 7 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और उसके बाद कई लोग पुलिस को देखते ही भागने लगे, जिसके बाद पुलिस ने दौड़कर पकड़कर इन 7 लोगों को गिरफ्तार किया। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो कि पुलिस को चकमा देकर भागने में कामयाब रहे। शराबबंदी में आज जो है छापेमारी की गई है। सूचना मिली थी कि जो है कुछ लोग जो है कोको कोला एजेंसी में बैठ करके शराब पी रहे। वरीय अधिकारी के निर्देशानुसार जो है वहाँ छापेमारी की गई। छापेमारी के क्रम में जो है मैनेजर सहित जो है 7 लोग पकड़े गए। मालिक जो है उसमें फरार हो गया है। मालिक भी वहाँ होने की सूचना मिल रही थी लेकिन उन परिस्थितियों में मालिक फरार है। वर्तमान स्थिति में 7 लोग पकड़े गए हैं, जिसमें जो है अंग्रेजी शराब भी पकड़ी गई है। अंग्रेजी शराब में जो है 100 पाइपर्स और रॉयल स्टेग भी पकड़े गए हैं। के मैनेजर के द्वारा जो बताया जा रहा है और गार्ड के द्वारा बताया जा रहा है कि मालिक जो है नीलेश कुमार हैं, उन पर भी जो है कानूनी कार्रवाई की जा रही है। FIR दर्ज सीजर बना करके जो है FIR दर्ज की जा रही है। आपको पता है बिहार में शराबबंदी कानून को कारगर बनाने के लिए नीतीश कुमार लगातार समीक्षा बैठक कर रहे हैं और अधिकारियों को कड़े निर्देश भी दे रहे हैं, उसका असर भी दिख रहा है। राजधानी पटना में पिछले दिनों की अगर हम बात करें तो अगर गिनती की जाए तो 100 से या 150 से ऊपर ऐसे होटल और मुसहरी होंगे जहां पर पुलिस लगातार शराब के पीने वालों को ढूंढ रही है और छापेमारी की है। ऐसे जगहों पर राजधानी पटना के कई होटलों में छापेमारी की है, कई लोगों की गिरफ्तारी, यानी कि सैकड़ों लोग गिरफ्तार भी किए गए हैं अब तक और कई लोगों के खिलाफ अब तक केस भी दर्ज हो चुका है। तो ऐसे में अब शराबबंदी कानून पर लगातार विपक्ष भी सवाल उठा रहा है और तो और बीजेपी के विधायकों ने भी कई बार सवाल उठाया। पिछले दिनों आपने हरिभूषण ठाकुर को सुना और आज कुंदन कुमार सिंह ने भी, जो कि बीजेपी के विधायक हैं, उन्होंने भी शराबबंदी कानून पर सवाल उठाया। हालांकि ये लोग ये कह रहे हैं कि बिहार में शराबबंदी कानून आप लागू कीजिए लेकिन जो रोड मैप तैयार हुआ था उस रोड मैप के हिसाब से काम नहीं हो रहा है और यही कारण है कि शराब की तस्करी और शराब को व्यवसाय बनाने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। ऐसे में राजधानी पटना से यह बड़ी खबर निकल कर आ रही है जहां पर पुलिस ने रेड किया है, कोका कोला एजेंसी में रेड किया है और यह एजेंसी बीजेपी नेता की बताई जाती है। वहां पर से 7 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है और 17 बोतलें विदेशी शराब की बरामद भी की गई है।
अब देखने वाली बात यह होती है कि इन सात लोगों के खिलाफ कार्रवाई क्या होती है और जो लोग फरार हो चुके हैं उनको पुलिस कब तक पकड़ पाती है। आप बने रहें लाइव सीरीज के साथ, तमाम खबरें आपको देंगे, लेकिन उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, इसके अलावा ट्विटर पर जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।